फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो जैसे कि हमने देखा, हम लोगों ने बताया आपको लाइव में भी, मैंने और सत्येंद्र सर ने जो लाइव किया था, कि नेट और जेआरएफ का आपका बहुत ही जल्दी हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कोर्स जो है आपका 5 जनवरी से लॉन्च होगा, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए हमारे लिए कोर्स जो है वो पेड ग्रुप चालू होंगे। ये कोर्स आपको लाइव वीडियो के माध्यम से मिलेगा, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से जो PDF में नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं उसके माध्यम से भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस आपको ऑडियो और जो PDF फॉर्मेट में मिलेगा, या फिर आप लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव जो आपका ऑनलाइन लेक्चर्स चलता है उसके माध्यम से। तो अगर आप दोनों ही कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7500110314 पर ज्वाइन करके क्वेरी व्हाट्सएप या कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का जो ब्रेकअप होता है नेट JRF के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो देखिए, पेपर 1 जो है इसमें 10 सब्जेक्ट्स कंप्राइज करता है, और सिमिलरली आपका जो पेपर 2 है उसमें भी 10 सब्जेक्ट्स कंप्राइज करता है। अब ये देखिए कि लॉ में जैसे कि डिफाइंड हर आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, डिफाइंड सिलेबस है, और जो आपका टॉपिक्स है वो भी डिफाइंड दिया हुआ है कि उस टॉपिक के अंदर, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, IPC है, लॉ ऑफ क्राइम्स है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही वेल जॉटेड तरीके से आपको UGC के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो जैसे कि इसमें बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, उसके बाद है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बाद आपका डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन रहता है। तो ये कुछ बाइफर्केशन है। उसी तरीके से आपको लॉ में भी जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ क्राइम्स, IPC, और उसके बाद आपका IPR, जिसको कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से भी जानते हैं, IPR, जिसमें कि आपको कॉम्पिटिशन लॉ भी मिलता है, मोटर व्हीकल्स एक्ट, टॉर्ट्स, ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जिसमें कि आपको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स को समझना है रिलेट करके। तो ऐसे अगर देखें तो 10 अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि आपको 10-10 अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपको साथ में पढ़ना है। फिर आपका एक लॉ, बिजनेस लॉ भी होता है, जिसमें कि आपको कंपनी लॉ, कॉरपोरेट लॉ, बिजनेस लॉ के सारे टर्म्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, कंपनी लॉ, NI एक्ट से आपको क्वेश्चंस रहता है। तो ओवरऑल ऑल अगर देखें तो इस एग्जामिनेशन के टैक्टिक्स को अगर समझा जाए तो वो है आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, और कोई भी एक सब्जेक्ट को ना छोड़ने का टेक्निक, ठीक है, किस तरीके से इसको कवर करना है, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और कहाँ पे आपको सब्जेक्टिव एनालिसिस का ज़रूरत है, इसको मद्देनजर रख के हमने ये कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो आप इसका भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नेट JRF के लिए जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट फॉर IQ पे इनरोल करा सकते हैं।